हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आप सभी को शनि जयंती की दिल से बधाइयां। आज के दिन मैं आप सबके साथ काले घोड़े के नाल के कुछ उपाय शेयर करने वाली हूं। सबसे पहला उपाय है कि ब्लैक हॉर्स शू से बनी हुई रिंग अगर आप सैटरडे के नाइट को अपने मिडिल फिंगर में धारण करते हैं तो उससे आपके जीवन में जो भी शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है या पीड़ा है तो उससे आपको जल्द ही मुक्ति मिलेगी। काले घोड़े की नाल को अगर आप शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े में बांधकर या लपेटकर अगर अपने तिजोरी में रखते हैं तो उससे आपके धन में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर काले घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेटकर अगर आप अपने अनाज की जगह पर रखते हैं, जहाँ पे आप अनाज रखते हैं उनके डिब्बों में या अनाज की जगह पर रखते हैं, तो उससे आपके अनाज में और अन्न में वृद्धि होगी। स्पेशली वेस्ट फेसिंग हाउसेस के लिए ये एक टिप है, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर काले घोड़े की नाल को सीधा यू में लगाएंगे तो उससे आपके घर के ऊपर हमेशा दैवीय कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर काले घोड़े की नाल को उल्टा टंगाएंगे, यानी उल्टे यू के आकार में टंगाएंगे, तो उससे आपके घर में कभी भी भूत प्रेत पिशाच एंटर नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साथी से या ढैया से गुजर रहा है, या किसी व्यक्ति को शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या फिर किसी व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में शनि बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, खराब है, और ऐसे इंसान को अगर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और स्पेशली अगर ऐसे शनि पीड़ित इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है, तो ऐसे में उस इंसान के बेड की चारों पायों में काले घोड़े के नाल से बने हुए कील ठोकने चाहिए। अगर ब्लैक हॉर्स शू से बने हुए कीले अगर आप उस बीमार व्यक्ति के बिस्तर के चारों पायों में लगाएंगे तो धीरे धीरे उससे शनि की पीड़ा उतर जाएगी। अब मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अगर किसी के कुंडली में शनि योग कारक है तो ऐसे में शनि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे में उस इंसान ने सिर्फ शनि ग्रह से संबंधित मंत्रों का और स्तोत्रों का उच्चारण करना चाहिए और शनि भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ऐसे में आप शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, वो पाठ भी बहुत ज़्यादा लाभकारक होता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शनि मारक है या शनि 6, 8, 12 में स्थित है, और अगर शनि की पीड़ा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ऐसे में ही आप शनि से रिलेटेड दान कर सकते हैं। तो अब जिनके लिए शनि मारक है, ऐसे में उन्होंने क्या उपाय करना चाहिए, ये मैं आप सबको यहाँ पे बताती हूँ। आप काले घोड़े की नाल से एक कील बनवा लीजिए, फिर शनिवार के दिन या फिर शनि अमावस्या के दिन उस कील के साथ आप 1.25 किलो उड़द की दाल लीजिए, काले उड़द की दाल लेनी है 1.25 किलो, और एक नारियल लेना है, और ये तीनों चीज़ें आपको साफ जल में, स्वच्छ जल में या फिर नदी में प्रवाहित करनी है। तो इससे भी आप धीरे धीरे देखेंगे कि शनि की जो आपके ऊपर पीड़ा चल रही थी वो उतर जाएगी और आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। अब एक आसान और इफ़ेक्टिव उपाय उन लोगों के लिए जिन लोगों का शनि मारक है, आपको क्या करना है, काले घोड़े की नाल से एक कील या छल्ला बनवाना है। उसके बाद शनिवार के दिन एक लोहे की प्लेट में आपको सरसों का तेल डालना है और उसमें काले घोड़े की नाल से बना हुआ वो कील या छल्ला उस प्लेट में डाल देना है। उसके बाद उस तेल में आपको अपना चेहरा देखना है, इसे छायादान बोलते हैं। फिर चेहरा देखने के बाद शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको वो प्लेट रख कर आ जानी है। इससे भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में शनि से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के दिन मैंने आपको ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और आसान उपाय बताए हैं। जो भी आपको सुटेबल हो इसमें से एक उपाय ज़रूर करके देखिए और उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है ये मुझे डेफिनेटली बताइए। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काले घोड़े की नाल ओरिजिनल होना चाहिए, नकली नहीं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। फॉर पेड कंसल्टेशन मेल मी ekta.khotkar@gmail.com। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपलोड्स आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।